हेलो दोस्तों, मैं अनुराग। आज हम आए हैं खेत में, देखते हैं धान की खेती कैसे की जाती है। हमारे बड़े भैया जी हैं जिन धान की खेती कर रहे हैं। चलिए इनसे हम पूछते हैं क्या बताते हैं ये। चलिए आते हैं भैया जी के पास, पूछते हैं भैया जी क्या बताते हैं। भैया जी थोड़ा इधर बताइए, क्या कर रहे हैं आप? दवा डाल रहे हैं। किस चीज़ की दवा है ये? घास की। अच्छा, धान में घास की, मतलब घास और पैदा हुआ? नहीं, इससे घास चली जाती है, जैसे जो घास है सड़ जाएगी इसमें जो अंदर है। जी, कैसे की जाती है इसकी खेती पूरी बताइए आप। पूरी? हाँ जी बताइए, शुरू से कैसे की जाती है, कितना टाइम लगता है इसमें, कितना टाइम लगता है धान की खेती में? सबसे पहले जब आप गेहूँ तैयार हो जाता है, उसको काटने के बाद खेत को कुछ दिन के लिए परती छोड़ा जाता है। उसके बाद जब बारिश हल्का फुल्का होती है तो खेत को एक बार जुताई की जाती है। होता है मिट्टी लग जाए, मिट्टी पलट जाता है, नीचे के जो सतह मिट्टी है उसकी जी जी बदलाव आ जाता है उसमें जी। तो फिर कुछ दिन बाद जो घास हो सूख जाता है, फिर एक बार उसकी जुताई की जाती है जी। जुताई करने के बाद उसमें अच्छा, कितना महीने लगता है इसको तैयार होने में के लिए? लगभग किस महीने में लगाया जाता है? अब यही लगाया जा रहा है, वही अक्टूबर तक काटा जाता है, दीपावली तक। अच्छा, दीपावली में काटता है, मतलब कितना है इसके, कितना है ये आपका खेत? लगभग देख लीजिए, यही है, पता नहीं, लगभग 1 बीघा है। अच्छा, 1 बीघा है, मतलब इसमें कितनी लागत लगी होगी? लगभग लागत लगी होगी वही भैया, चार पाँच जुताई हुई है इसकी। मतलब 4-5 बार जुताई हुई, तब भी कितना, एक बार में कितना लग जाता होगा? जुताई उताई के लिए 600-700 रुपये जुताई लग जाता है। यानी कि मतलब 2-3 हज़ार रुपये ऐसे ही लग जाता सिर्फ जुताई के लिए। टोटल कितना खर्चा लगता है? 5-6 हज़ार लग जाता है इतने में। हाँ, इतने में के लिए। अच्छा, धान की मतलब ऐसे पहले से ही बैठाया जाता है या इसको पहले बनाया जाता है या? पहले जरई डाल दी जाती है जो धान होता है। जी जी, धान को पानी में एक जगह छींटने के बाद और जब बड़ा हो जाता है उसे उचार के तो लगाया जाता है जी। मतलब इसकी कटाई कब होगी, किस मंथ में? वही अक्टूबर। मतलब इसको काटेंगे उसके बाद सुखवाएंगे या उसके पहले सूख जाएगा तब कटेगा? हाँ, इसको काटेंगे, काटने के बाद 2-1 दिन सूखेगा, फिर उसको ले जाएंगे। मशीन द्वारा पिटाई की जाती है, कुछ लोग जो है हाथ से पीटते हैं जी। तब उसको मतलब इसमें कितनी बार ये पानी हमेशा रहता है इसमें ऐसे ही? नहीं, जैसे जिसकी सुविधा है जी, जैसे सुविधा है उसी अनुसार किया जाता है। मतलब जैसे ये पानी इसके मतलब अभी बड़ा बड़ा होगा तो सूख जाएगा पानी, उसके बाद फिर भराई होगी या खाद कितने, मतलब जैसे यूरिया डाला जाता है इसमें कितना? हाँ, यूरिया डाला, डाई डाला जाता है जी, यूरिया भी डाला जाता है। अभी इसको कुछ दिन 10-12 दिन जो माटी है वो कड़ी हो जाएगी जी, तब डाई डालकर इसको सिंचाई करें ताकि जो अंदर है उसमें काई जम जाए और खेत जो मजबूती पर जी पकड़ ले थोड़ा पेड़ अच्छा होने लगे। मतलब ये कौन सी धान है, हाइब्रिड है या मतलब? हाइब्रिड है। हाँ, हाइब्रिड है। चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।